ये देखिए दोस्तों, हमने लौकी की बर्फ़ी को हमने जो है सेट हो गई हमारी, और हमने कट कर लिए हैं देखिए। और अब ये इसको हम सर्व करने के लिए निकालेंगे। और आप भी दोस्तों इसको बनाइए। हेलो गाइस, मैं रविंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल भूखे पेट में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लौकी की बर्फी बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी होती है। आइए चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको लौकी की बर्फी बना के दिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी होती है। तो इसमें हम जो इन्ग्रीडियंट्स ले रहे हैं, आइए वो बताते हैं आपको। ये हमने आधा किलो मावा लिया हुआ है, ये 2 बाउल 250 ग्राम की चीनी ली हुई है, शुगर, बादाम लिया है, पिस्ता लिया है, और ये दोस्तों ये ग्रीन खाने वाला कलर है वो भी लिया हुआ है, और ये हमने लौकी ली हुई है। अगर आपको गोल लौकी नहीं मिलती तो आप लंबी भी ले सकते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। ये देखिए, जो लौकी हमने ली है इसको हम कट करके कद्दूकस करेंगे। धीरे, ये देखिए दोस्तों, मैं लौकी कस दिया है हमने पूरी, ये देखिए। अब आगे शुरू करते हैं। आइए देखिए, अब हमने कढ़ाई जो है चढ़ा दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारी हीट हो चुकी है। अब जो लौकी हमने कस किया था, अब इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं पूरी, ये देखिए। और दोस्तों, इस तरह से इसका मैं लौकी जो है इसमें कढ़ाई में पकानी है। कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी लौकी जो होती है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो सभी आप लोग जानते हैं। और इस तरह से मैं लौकी को पूरा पका लेना है। इसको ढककर रख देते हैं हम इस पर 10 मिनट के लिए, कि लौकी हमारी पकी है। चीनी को हम डाल देते हैं इसी में, 2 बाउल चीनी, 2 कटोरी जो चीनी लिया था पूरी चीनी उसमें डाल देते हैं लौकी में, और फिर इसको पकाते हैं। दोबारा फिर हम ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ओहो, देखिए चीनी हमारी पिघल चुकी है, चीनी हमारी नीचे पकड़ लग रहे, और आप इसे हिलाते रहेंगे बीच बीच में तो चीनी हमारी पकड़ नहीं करेगी। हमारी चीनी जो है घुल चुकी है, और इसमें हल्का जो खाने वाला कलर आपको दिखाया था, और थोड़ा सा लेना है देखिए, और इसे हमें डाल देना है। इतना अच्छा ग्रीन कलर आया है, बहुत बढ़िया। फिर ढक देते हैं ढक्कन से, और देखिए हम ढक्कन खोल के देखते हैं क्या। ये देखिए, अब जो हमने खोया लिया वो हम इसमें डाल देते हैं, ये देखिए। क्योंकि इलायची हम लोगों को पसंद नहीं है, अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। ये देखिए खुशबू आ जाएगी, और जो खोया हमने डाला था ये पूरी तरीके से लौकी में मिक्स हो गई है।
इस ट्रे में हम निकाल रहे हैं, इस पर पहले हम कुछ देसी घी लगा लेते हैं इसके नीचे बेस में इसके, इसको हम निकाल लेते हैं ट्रे में। ये देखिए, हाँ तो ये देखिए, हमें लौकी और पोहे का जो मिश्रण तैयार किया था हमने ट्रे में इस तरह से निकाल करके बराबर मिला देना, बराबर कर लेना है। और बराबर करने के बाद जो हमने पिस्ता और बादाम जो मैंने आपको दिखाया था उसको काट करके कट कर लिया है। और बोल, ये देखिए दोस्तों, हमने लौकी की बर्फी को हमने जो है सेट हो गई हमारी और हमने कट कर लिए हैं देखिए। और अब ये इसको हम सर्व करने के लिए निकालेंगे। और आप भी दोस्तों इसको बनाइए और घर में ट्राई करिए बना करके, और ख़ुद खाइए और घर में परिवार में सभी को खिलाइए। और ये लौकी की बर्फी दोस्तों बहुत ही हेल्थी होती है, और बर्फी के मुकाबले है बहुत ही हेल्थी बर्फी होती है। और साथ में आप जानते हैं कि लौकी के कितने गुण हैं। दोस्तों हमारी ये रेसिपी, ये वीडियो लौकी की बर्फी की आपको कैसी लगी, आप हमें आगे से आगे प्रमोट करें ताकि हम आगे से आगे आपको और भी चीज़ें लाकर दिखाएं। और हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।